नमस्कार, मेरा नाम है सतसिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका फिर स्वागत है। हरियाणा की लोकसभाओं की कुंडली खंगालते खंगालते अब तक हम 9 लोकसभाओं की कुंडली स्कैन कर चुके हैं और आज आखिरी और 10वीं लेकिन साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा करनाल लोकसभा के बारे में बातचीत करेंगे। 1952 में बनी करनाल लोकसभा के अंदर लगातार चुनाव एक के बाद हर बार चुनाव होता जा रहा है और पानीपत और करनाल डिस्ट्रिक्ट्स की मिला करके 9 असेंबली सेगमेंट से बनी है करनाल लोकसभा। अगर वहाँ के थोड़ा इतिहास के बारे में बात करें, ऐसा कहा जाता है जो महाभारत के कर्ण हैं, कुंती पुत्र हैं कर्ण, उनके नाम पे करनाल का नाम पड़ा था और ये लोकसभा का भी संबंध जो है, क्योंकि करनाल से ही करनाल लोकसभा बनी है। तो भारत आज़ाद होने के बाद जैसे करनाल लोकसभा बनी तो यहाँ बड़े बड़े धुरंधर जो हैं यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और यहाँ से सांसद बन भी चुके, हार भी चुके हैं। अगर बड़े नामों की बात करें, सुषमा स्वराज ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा है, आईडी स्वामी ने लड़ा है, पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने भी चुनाव यहाँ से लड़ा है। ज़्यादातर यहाँ पर ब्राह्मण नेता जो है सांसद बनते आए हैं। हालाँकि पिछले 2 बार से यहाँ पर पंजाबी समाज से सांसद बनते आ रहे हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं बातचीत करूं कि करनाल की जो 9 असेंबली सेगमेंट हैं वहां किस पार्टी का एमएलए है, तो नीलो खेड़ी से धर्मपाल गोंदर, ये इंडिपेंडेंट वहां से एमएलए हैं। इंद्री से रामकुमार कश्यप, भारतीय जनता पार्टी। करनाल से हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी वहाँ से विधायक हैं। घरोंडा से हरविंदर कल्याण, ये बीजेपी से हैं। असंध से कांग्रेस पार्टी के शमशेर सिंह गोगी। पानीपत रूरल से महिपाल डांडा, भारतीय जनता पार्टी। पानीपत सिटी से प्रमोद कुमार विज, बीजेपी से। इसराना से बलबीर सिंह, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और समालखा से धर्मवीर सिंह छोकर, ये भी कांग्रेस पार्टी से हैं। 1952 से लेकर के 2019 तक यहाँ कौन कौन सांसद रहे, एक बार जल्दी से हम इसको रिकैप करते हैं। 1952 वीरेंद्र कुमार सत्यवादी कांग्रेस, 57 सुभद्रा जोशी कांग्रेस, स्वामी रामेश्वरानंद भारतीय जनसंघ, माधोराम शर्मा कांग्रेस, भगवत दयाल शर्मा फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा जनता पार्टी, मोहिंदर सिंह जनता पार्टी। 1980-84-89-91 चिरंजी लाल शर्मा कांग्रेस से यहाँ से सांसद बनते आए हैं, उनके सुपुत्र कुलदीप शर्मा को हम जानते ही हैं। 1996 ईश्वर दयाल शर्मा, जिनको स्वामी के नाम से जानते हैं, ईश्वर दयाल स्वामी बीजेपी से। 98 में भजनलाल कांग्रेस, आईडी स्वामी भारतीय जनता पार्टी। 2004 और 2009 अरविंद शर्मा कांग्रेस पार्टी से, इनके पास टिकट थी, सांसद बने थे। 14 में अश्विनी कुमार मीना, अश्विनी चोपड़ा भी जिनके नाम से जानते हैं, बीजेपी। और 2019 में संजय भाटिया 6.5 लाख वोट से भी ज़्यादा से ये यहाँ से चुनाव जीत करके भारत की सबसे बड़ी संसद के अंदर गए थे और अभी करनाल लोकसभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम कुंडली खंगालना शुरू करते हैं। मेरे साथ हमारे मेहमान, हमारे गेस्ट, पॉलिटिकल सर्वेयर, पत्रकार जोगिंदर कथुरिया जी। कथुरिया जी, कुंडली खंगालना शुरू करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम हरियाणा की 10वीं लोकसभा करनाल की कुंडली स्कैन कर रहे हैं। इससे पहले हमने 9 लोकसभा की कुंडली स्कैन की और दर्शकों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया हमारी वीडियोज़ को और बार बार कमेंट बॉक्स में लिखा गया कि जल्दी जल्दी 10 की 10 लोकसभा कीजिए, इतने प्रत्याशियों का ऐलान हो। अभी तक किसी भी पार्टी ने हरियाणा में, केवल आम आदमी पार्टी ने सुशील गुप्ता को मैदान में उतार दिया है, बाकी कांग्रेस, भाजपा, INLD, JJP किसी के द्वारा कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। सबसे पहले हम आज करनाल की बात कर रहे हैं, तो करनाल में हम सबसे पहले जातिगत आंकड़े की बात कर लेते हैं। करनाल में 55% यहाँ पर जनरल जाति का वोट है, 55% के बाद 25% OBC जाति का और 20% SC कैटेगरी का वोट है। जो जनरल जाति
जनरल कैटेगरी में सर्वाधिक 12%, लगभग 2,40,000 के करीब यहाँ पर पंजाबी मतदाता हैं। 11.5%, लगभग 2,30,000 के करीब यहाँ जाट जाति के मतदाता हैं। उसके बाद यहाँ लगभग 1,80,000 के करीब ब्राह्मण मतदाता हैं। 1,20,000 के करीब यहाँ रोड मतदाता हैं। 1,00,000 के करीब यहाँ जट सिख मतदाता हैं। लगभग 1,00,000 के करीब यहाँ राजपूत मतदाता हैं। यहाँ 90,000 के करीब बनिया मतदाता हैं। उसके बाद एससी कैटेगरी में, जैसा कि मैं पहले भी हर वीडियो में जिक्र करता हूँ, हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा में एससी कैटेगरी में रविदासिया समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ भी 9% अकेले रविदासिया चमार समाज के वोट हैं। उसके बाद 6% यहाँ पर वाल्मीकि समाज के वोट हैं। ओबीसी में यहाँ एक बहुत बड़ा हिस्सा सैनी, नाई, कुम्हार, कश्यप, सभी जातियों के थोड़े थोड़े मिलाकर टोटल 25% यहाँ करनाल में ओबीसी कैटेगरी के वोट हैं। अब कास्ट कंपोजिशन के बाद हम प्रत्याशियों की चर्चा कर लेते हैं जी। और यहाँ कथुरिया जी, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये वो लोकसभा है जहाँ से हरियाणा के 2 बार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी करनाल भी इसी लोकसभा में आती है। संजय बाटे ने पिछली बार शायद देश में सबसे ज़्यादा वोटों से दूसरे नंबर पे ये लोकसभा गए थे। बिल्कुल, सीएम सिटी के नाम से भी मशहूर है करनाल। पिछले 10 साल से, 2014 से जब से मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने हैं, सीएम सिटी है करनाल। और उससे पहले भी करनाल से बहुत बड़े बड़े दिग्गज चुनाव जीते हैं। यहाँ पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल 1998 में चुनाव जीते और 1999 में उन्हें लगभग 50,000 मतों से आईडी स्वामी से मात भी खानी पड़ी। उस समय भी भाजपा की 1999 में कारगिल युद्ध के बाद एक वेव थी, हाँ। जिसमें कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े दिग्गज हार गए थे। रोहतक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव हार गए थे। वहाँ INLD और BJP का अलायंस था, 5-5 सीटों पर दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे। तो 5 सीटें INLD और 5 सीटें BJP जीती थी, जिसमें कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े दिग्गज अपना चुनाव हार गए थे। उनमें से भजन लाल, जो हरियाणा के पहले कई बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, उन्हें आईडी स्वामी ने, जो कि फिर बाद में हरियाणा भारत देश के गृह राज्य मंत्री भी बने, उन्होंने चुनाव मैदान में हराया। आप थोड़ी देर पहले सुषमा स्वराज जी का जिक्र कर रहे थे। सुषमा स्वराज जी के लिए ये सीट अनलक्की रही है। सुषमा स्वराज जी 3 बार यहाँ से चुनाव मैदान में आई, पर 3 बार उन्हें मुक्की खानी पड़ी। उसके बाद उन्होंने कभी भी हरियाणा की राजनीति का रुख नहीं किया। उन्होंने हरियाणा की राजनीति से किनारा कर दिल्ली की तरफ शिफ्ट किया। लेकिन उस समय ना जो BJP थी हरियाणा के अंदर, उनका गठबंधन इंडियन नेशनल लोकदल के साथ था, मतलब उस समय गठबंधन में रहती थी BJP। आज 2014 में पहली बार पूर्ण बहुमत से, यानी कि जो हम आज की BJP देख रहे हैं, जिस समय सुषमा स्वराज, उस समय शायद वो बिल्कुल सीड्स थे, यानी कि बहुत ही ग्रास रूट्स की BJP थी। अब तो पूरा स्वरूप बदल चुका है। देखो, अटल, अडवाणी, सुषमा, अरुण जेटली, इन्होंने BJP को सींचा है। आज जो BJP इस मुकाम पर खड़ी है, उनमें इन शीर्ष नेताओं का बहुत बड़ा हाथ है। दो पेड़ किसी ने लगाया था और बड़ा किसी ने किया सींच कर, और आज कोई खा रहा है। तो इसमें देखो, हमेशा से ये राजनीति का हिस्सा रहा है। आप पुराने समय में चले जाइए, राजा महाराजा भी एक दूसरे को हटाकर ही गद्दी हासिल किया करते थे। आज इसी प्रकार नरेंद्र मोदी ने भी बहुत बड़े बड़े भाजपा के दिग्गजों को साइड कर गद्दी तक पहुंचे हैं। तो कथुरिया जी, हम दोबारा करनाल लोकसभा पे आते हैं, BJP से कौन चेहरा हो सकता है? अभी सिटिंग MP तो संजय भाटिया जी हैं। वो यदि चुनाव लड़ना चाहें तो उनकी टिकट नहीं कट रही,
संजय भाटिया जी का थोड़ा मन परिवर्तित हो रखा है। वो पानीपत शहरी विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं, पहले उन्हें मुक्की खानी पड़ी थी, पर अब वो पानीपत शहरी सीट पर चुनाव लड़कर प्रमोद कुमार विज हैं। हाँ, अभी प्रमोद कुमार विज के स्थान पर वो खुद स्वयं चुनाव लड़ना चाहते हैं और वहाँ से विधायक बन हरियाणा की राजनीति में एक्टिव होना चाहते हैं। उन्हें लगता है यदि मनोहर लाल खट्टर की जगह चेहरा बदला जाता है तो शायद उनका नाम मनोहर लाल खट्टर पंजाबी समाज के तौर पर आगे कर दें। और उन्हें अमित शाह जी का करीबी माना जाता है, अमित शाह जी उनकी कई प्रदेशों में चुनावी ड्यूटी भी लगा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में पीछे वो सह प्रभारी थे, वहाँ पर भी वो चुनाव जीते। मध्य प्रदेश में उनकी ड्यूटी लगी, तो उनकी अमित शाह जी चुनावी प्रबंधन के लिए ड्यूटियाँ लगाते हैं और वो उसका बखूबी आउटपुट भी निकाल कर देते हैं। और कौन कैंडिडेट हो सकते हैं बीजेपी से अगर वो विधानसभा में इंटरेस्टेड हैं तो अभी हरविंदर कल्याण जी जो घरौंडा से एमएलए हैं वो उन्हें मनोहर लाल खट्टर जी का करीबी माना जाता है और आज हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की तूती बोलती है। वो जिसे चाहते हैं उसे प्रमोट करते हैं और जिसे चाहते हैं उसे साइडलाइन करते हैं। मनोहर लाल खट्टर भी हरियाणा के जो पुराने दिग्गज रहे हैं, तीन लाल रहे हैं, बंसी लाल, भजन लाल, देवी लाल और उसके बाद चौथा मनोहर लाल। मनोहर लाल भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल पड़े हैं। जो दिग्गज नेता हैं उन्हें साइड, कैप्टन अभिमन्यु को वो हिसार से टिकट नहीं लेने देना चाहते, वो ओम प्रकाश धनखड़ को भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट नहीं लेने देना चाहते और जो छोटे स्तर के नेता हैं उन्हें प्रमोट करके उन्हें टिकट देकर अपने उन्हें प्रमोट कर रहे हैं और अपने टीम तैयार कर रहे हैं। अरविंदर कल्याण के अलावा और कौन हो सकते हैं? एक वेदपाल एडवोकेट जो पीछे चुनाव लड़े थे पर हार गए थे, वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे, वो रोड बिरादरी से संबंध रखते हैं और वहाँ रोड बिरादरी के अच्छे खासे वोट हैं, लगभग 130,000 के करीब मत हैं यहाँ पर रोड बिरादरी के करनाल लोकसभा में। तो हरविंदर कल्याण भी उसी बिरादरी से संबंध रखते हैं, परंतु सीएम के करीबी हरविंदर कल्याण है। मुझे लगता है सीएम मनोहर लाल उनका नाम आगे कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ और, जाट और जट से मिला करके करनाल लोकसभा में उनका क्या आंकड़ा है? लगभग 330,000 के करीब करीब जाट और जट सिख मिलाकर 230,000 के करीब मैंने आपको जाट बिरादरी के वोट बताए और 1,00,000 के करीब जट सिख, तो 330,000 के करीब ये वोट हो जाते हैं जाट और जट सिख मिलाकर। और कौन कैंडिडेट हो सकते हैं भारतीय जनता? एक करनाल के जिला अध्यक्ष हैं योगेंद्र राणा जी, राजपूत बिरादरी से और राजपूतों का अच्छा खासा 4 लोकसभा में वोट बैंक है, भिवानी में भी, फरीदाबाद में भी, गुरुग्राम में भी और अब करनाल में भी, तो लगभग 1,00,000 के करीब यहाँ पर राजपूतों के वोट हैं। तो यहाँ पर योगेंद्र राणा जी का भी नाम दौड़ में चल रहा है और एक सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है। मुझे लगता है भाजपा 2 ब्राह्मण चेहरों को मैदान में उतारना चाहती है। कौन कौन? प्रमोटेशन एंड कम्बिनेशन। कोई भी, मैंने एक दिन पहले भी अपनी वीडियो में 6 नाम बताए थे, इन 6 में से किसी 2 को यहाँ चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। मुझे लगता है विनोद, यदि अरविंद शर्मा को रोहतक या सोनीपत में कहीं एडजस्ट नहीं कर पाए तो अरविंद शर्मा या विनोद शर्मा में से किसी एक को सरप्राइजिंग फैक्टर के तौर पर भाजपा करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़वा सकती है। जी, ये तो भाजपा के हो गए। और कांग्रेस के पास लोग कह रहे थे कि ज़्यादा उम्मीदवार वहाँ इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि इतनी सेफ सीट नहीं है कांग्रेस के लिए आज की परिस्थितियों में। कभी ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, मुझे लगता है कि 9 बार यहाँ पर कांग्रेस की पार्टी के सांसद बने हैं और 4 बार भाजपा के सांसद बने हैं, शायद 1 बार अश्विनी कुमार, 1 बार संजय भाटिया, 2 बार आईडी स्वामी और इससे पहले 1 बार शायद जनसंघ और 4 बार तो पंडित चिरंजी लाल भगवत दयाल शर्मा, मतलब ब्राह्मण। तो कांग्रेस से क्या चिरंजी लाल शर्मा के सुपुत्र और पूर्व विधायक कुलदीप शर्मा नहीं हो सकते? कुलदीप शर्मा खुद भी दौड़ में है, वो अपने बेटे चाणक्य पंडित को प्रमोट कर रहे हैं।
परंतु मुझे आज की परिस्थिति में चाणक्य पंडित का इतना बड़ा कद नहीं लगता कि वो करनाल लोकसभा चुनाव, जब उनके पिताजी बामुश्किल जमानत बचा पाए, तो वो आज किस प्रकार से यहाँ पर चुनाव में फाइट कर पाए। जी, गन्नौर से भी कुलदीप शर्मा हार गए थे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, वो खुद विधानसभा का भी चुनाव हार गए थे, लोकसभा का भी हार गए थे। देखो मैं उसके बाद कांग्रेस की मजबूरी हो सकती है, अगर कोई टिकट लेने वाला नहीं है तो नहीं। कांग्रेस के पास उनके एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, रोड बिरादरी से संबंध रखते हैं, और पहले भी शायद वो अलग अलग पार्टियों से दो बार चुनाव लड़ भी चुके हैं। मराठा वीरेंद्र, अच्छा वीरेंद्र राठौर, उन्हें भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। एक ललित बुटाना का नाम भी आगे किया जा रहा है, वो भी रोड बिरादरी से संबंध रखते हैं, और उन्हें भी चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है कांग्रेस की ओर से। पर मुझे लगता है कि ऐसा कोई पंजाबी चेहरा जो अपना वजूद रखता हो करनाल में, भूपेंद्र हुड्डा गुट से, भीमसेन मेहता, अशोक अरोड़ा, ये पंजाबी चेहरे हैं। अशोक अरोड़ा पहले भी यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, भीमसेन मेहता पहले विधायक भी रहे हैं और तीन तीन मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने बंसीलाल के साथ काम किया, उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला के साथ काम किया, उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ काम किया। तो भीमसेन मेहता को भी यदि कांग्रेस चुनाव मैदान में उतारती है तो अच्छे प्रत्याशी साबित हो सकते हैं। एक पानीपत शहरी सीट से उनके भाई 5 बार विधायक रहे हैं बुल्ले शाह, वीरेंद्र पाल शाह, वो भी टिकट की दौड़ में हैं। देखो आगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। यदि कांग्रेस को एक पंजाबी प्रत्याशी उतारना हुआ पंजाबी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए, तो इन दोनों में से किसी एक का नाम आ सकता है। मैं आपको बताऊं, जो कांग्रेस की ओर से मैंने पंजाबी प्रत्याशियों का नाम लिया, अशोक अरोड़ा, भीमसेन मेहता और वीरेंद्र पाल शाह, बुल्ले शाह, ये तीनों ही विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं। अशोक अरोड़ा थानेसर से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, भीमसेन मेहता इंद्री से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वीरेंद्र पाल शाह पानीपत शहरी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आखिरकार रोड बिरादरी से ललित बुटाना या फिर मराठा वीरेंद्र में से किसी एक को, एक यदि ब्राह्मण चेहरा एडजस्ट करना है। कांग्रेस के पास भी प्रमोटेशन एंड कम्बिनेशन इस प्रकार बन रहा है, गुरुग्राम में वो अपने कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज को आगे कर रहे हैं, वहाँ फरीदाबाद में नीरज शर्मा और यहाँ कुलदीप शर्मा, इन तीनों में से केवल एक ही प्रत्याशी मैदान में उतरेगा। तो जिस प्रकार का प्रमोटेशन एंड कम्बिनेशन बनता है वो तो आगे भविष्य के गर्भ में है, पर मुझे लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा चांस मराठा वीरेंद्र या ललित बुटाना में से किसी एक के चुनाव लड़ने का। अच्छा, जहाँ तक या किसान आंदोलन का भी काफ़ी असर रहा है, तो आप कुछ देखते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि जीटी रोड बेल्ट है और जो एज बीजेपी के पास 2014 और 2019 में थी वो एज इस बार दिखाई नहीं दे रही। देखो बीजेपी या मोदी वेव कम तो हुई है परंतु ख़त्म नहीं हुई। अब पिछली बार यहाँ पर संजय भाटिया जी जो सांसद बने थे 70% मत प्राप्त हुए थे, आज भी जो मैंने सर्वे किया है बीजेपी के प्रत्याशी को 56% मत कम से कम प्राप्त हो रहे हैं। तो पिछली बार 6,54,000 के करीब संजय भाटिया अकेले ने वोट जो ना लिया था, जो कि बहुत बड़ा 9,11,000 नहीं, जो जीत का मार्जिन बता रहा हूं, जीत का मार्जिन लगभग 6,50,000 के करीब, 54,000 के करीब, एग्जैक्ट बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो वही मैं कह रहा हूं, वो जीत का मार्जिन अब इतना बड़ा तो रहने वाला नहीं है, ये मार्जिन घटकर लगभग 2 से 3 मुख्य प्रत्याशियों पर भी डिपेंड करेगा और परिस्थितियों पर भी डिपेंड करेगा। आज की डेट में भाजपा एज पर है, यहाँ कांग्रेस यदि किसी मजबूत चेहरे को उतारेगी तो वो मार्जिन कम हो जाएगा, और भाजपा की ओर से भी यदि किसी और अन्य प्रत्याशी को, संजय भाटिया को छोड़कर प्रत्याशी को उतारा जाता है, तो वो समय और परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन प्रत्याशी आता है और कितने बड़े मार्जिन से जीत। और किसी बड़ी पार्टी का, इंडियन नेशनल लोकदल का, BSP का, किसी और पार्टी का यहाँ कोई, मैं आपको बता दूँ, INID सदा से
करनाल में पिछड़ती आई है। आज के दिन INRD का केवल 1.5% वोट बचा हुआ है करनाल लोकसभा में। आम आदमी पार्टी का लगभग 2% वोट पर आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ अलायंस है, तो वो वोट इस बार भी यहाँ कांग्रेस के साथ जाने की संभावना बनती है। और उसके बाद जो मैंने हाल फिलहाल सर्वे किया था, 56-60% मत ये जा रहे हैं भाजपा प्रत्याशी को, और लगभग 30-34% मत कांग्रेस प्रत्याशी को, 1.5-2% मत यहाँ पर जा रहे हैं INRD प्रत्याशी को, और लगभग 4% मत BSP के प्रत्याशी को। BSP का करनाल में सदा से ये बेस वोट बैंक रहा है, करनाल सीट पर उनका इतना वोट बैंक हमेशा से। तो इश्यूज़ राम मंदिर और बाकी सारी अनुच्छेद 370 यही इश्यूज रहने वाले हैं, भाजपा इन्हीं को बुनाने वाली है। भाजपा तो अपने फेवर के जो मुद्दे होते हैं उन्हें आगे करती है, जो उनके अगेंस्ट जा रहे होते हैं मुद्दे उनको पीछे कर देती है। अब महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस टाइप के मुद्दों पर अब चुनाव ही नहीं लड़े जाते। भाजपा जो दूसरी पार्टियों पर हमेशा से ये लगाती थी कि ये जाति पाति की राजनीति करते हैं, वो बिल्कुल जो कास्ट कंपोजिशन और जो सोशल इंजीनियरिंग वो भाजपा सबसे मजबूती से करती है। जैसे वो इधर आते हैं हम रोहतक की तरफ, सोनीपत की तरफ, तो BJP कोशिश करती है जाट नॉन जाट करने की, तो वहाँ पर कौन सा फैक्टर करने की कोशिश करती है? वहाँ भी देखो जाट नॉन जाट, अब वहाँ पर पंजाबियों से केवल 0.5% जाट मतदाता कम है, 12% वहाँ पंजाबी मतदाता है, 11.5% वहाँ पर जाट मतदाता है। परंतु जैसे ही जाट प्रत्याशी आएगा वहाँ जाट नॉन जाट को आगे कर देगी, वहाँ जाट प्रत्याशी बुरी तरह से, इससे भी बुरी तरीके से हार जाएगा। तो यही कारण है कि भाजपा सोशल इंजीनियरिंग में बहुत परफेक्ट हो चुकी है। भाजपा के पास हर व्यक्ति की कमजोरी है, वो जिसको भी जिस प्रकार से दबाना होता है उस प्रकार जी। कतूरे साहब, कास्ट इंजीनियरिंग की जो आप बात कर रहे हो तो समय समय की बात है, अब भाजपा का समय है और समय चल रहा है, तो जो भी पत्ता फेंकते हैं वही पत्ता ठीक पड़ता है, लेकिन जब समय बदलेगा तो हो सकता है कि फिर कुछ भी कोशिश कर ले, शायद उनका कोई भी दाव ना चले। देखो ये बिल्कुल आपने बात सही कही, कभी कांग्रेस का सिक्का चलता था, कांग्रेस का समय था तो कांग्रेस जो भी दाव खेलती थी वो सीधा होता था, परंतु आज भाजपा का समय है, भाजपा जो भी दाव खेलती है वो बिल्कुल सीधा होता है। जी, तो ये थी करनाल लोकसभा, हमने हरियाणा के 10 के 10 लोकसभाओं की कुंडली स्कैन कर चुके हैं। हमारी ये सीरीज़ जो कुंडली खंगालने वाली है, स्कैन करने वाली है, कौन पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं, किस लोकसभा में क्या कास्ट कंपोजिशन है, ये इस वीडियो के साथ हम पूरा करते हैं। इसके साथ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये लगे कि हमारी जो ये कुंडली वाली जो सीरीज़ है आपको अच्छी लगे, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आपको कोई सलाह देनी है तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। हम एक नई सीरीज़ अब आने वाले दिनों में शुरू करेंगे लोकसभा को लेकर के, और आशा है कि वो भी आपको पसंद आएगी। कथूरिया जी, सीरीज़ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।